15 मार्च 2015 को मंडे था यानी कि सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा वो हमें जानना है। तो पहले तो हमें मार्च देखना है, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, तो हमें लिखेंगे पहले मार्च है तो मार्च में 31 दिन हो गए, उसमें से 15 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 16। ये 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेष, जो शेष हमारा बचेगा वो शेष बचेगा 2। 7, 2, 14, 14 में से 16 यानी कि 2 शेष बचेगा। ये 2 शेष का हमें काम है। उसके बाद हम देखेंगे मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल में आएगा कितना दिन होगा 30 दिन, तो 30/7 यानी कि उसमें भी 2 दिन बचेंगे। उसके बाद आएगा अप्रैल के बाद आएगा मई, मई में 31 दिन होते हैं तो 31/7 होता है तो क्या आएगा 3। ये 7 क्यों कर रहे हैं तो उसके बारे में अगले से हमने वीडियो बनाया कैलेंडर का, वो देख लेने का है। एक क्यों करते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मई और जून में आएगा 30, तो 30/7 28 यानी कि 2 दिन आएंगे। जून के बाद आएगा 10 जुलाई, उसमें हम सिर्फ 10 दिन ही लेंगे क्योंकि इसमें 30 दिन नहीं 10 तारीख तक ही हमें लेना है, तो 10/7 यानी कि 3 दिन बच जाएंगे। टोटल हमें सबका जो है वो सम करना है 3, 2, 2, 60, 7 और 2, 9, 9 और 3, 12। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे ना करें तो भी हो सकता है। ये 60 निकाल देने का, 2, 2, 2, 60, ये 60 को हम निकाल दें तो 5, ऐसे भी करेंगे 12, 12 में से 60 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, और ऐसे भी हम गिनेंगे तो भी 5 ही आएगा। अभी जो 5 आया हुआ है इसमें हम 5 प्लस कर देंगे, मंडे में 5 प्लस कर दे तो क्या होगा, तो मंडे में 5 दिन प्लस कर दे, मंडे का दूसरा दिन कौन होगा सोमवार, तो सोमवार का मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार यानी कि सैटरडे हमारा आंसर होगा। क्या